नमस्कार दोस्तों, कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से रिया और प्राची के बीच में झगड़ा होने जा रहा है। क्योंकि जहां पर रिया तो खुश है कि आखिरकार रणबीर को मैं ही मेरे साथ ही आया था हॉस्पिटल से, लेकिन वो ये चीज भूल चुकी है कि रणबीर खाली दिखा रहा था ये सब कुछ। एक्चुअली वो प्राची से ही प्यार करता है और प्राची ने बोल भी दिया है कि मैं 2 दिन में तुम्हारा पर्दा ऐसा फास करूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। और वाकई में दोस्तों, प्राची अब कुछ भी कर सकती है क्योंकि प्राची को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। आप लोग जानते ही हैं कि लगातार प्राची को टिकर करने की जो कोशिश कर रही है रिया, क्योंकि रिया इस समय पूरा उत्पात मचा रही है घर में और उसे लग रहा है कि जीत मेरी हुई है। लेकिन ये नहीं जानती कि अभी प्राची शांत है, क्योंकि रिया की जो गलतफहमी है वो गलतफहमी बहुत जल्द दूर होने जा रही है। क्योंकि रणबीर घर पे बोलता हुआ नजर आने वाला है, जब रणबीर की दवाई गोली लेता हुआ नजर आएगा तो बोलेगा कि प्राची कहाँ है, क्योंकि प्राची मेरा अच्छे से ख्याल रख सकती है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस समय प्राची गुस्सा है रणबीर से और रणबीर थोड़ा सा नोकझोंक भी कर रहा है, लेकिन जो प्यार जो करते हैं एक दूसरे से, वो बहुत अच्छी तरीका से जानता है रणबीर कि प्राची मेरे से प्यार करती है और मैं प्राची से। लेकिन रिया खामखा की फुटेज खाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रिया को लग रहा है कि रणबीर अब बदल रहा है, रणबीर सिर्फ मेरे से ही प्यार करता है। वो इस चीज़ को भूल चुकी है रिया की प्राची का था रणबीर और प्राची का ही रहेगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले अपने आप का मनाने के लिए। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से अलग अलग तरीका से लगातार बोलता हुआ नजर आ रहा है रणबीर कि मुझे प्राची से मोहब्बत है और प्राची कभी भी मेरे साथ में बुरा नहीं कर सकती। और मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्राची का बच्चा जो कि सेठ का नहीं है। साथ ही दोस्तों, आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूँगा गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताएं गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।